दो बजे तीन बजे के टेम था तो ये मछलियाँ यहाँ के पसी तो एकदम जो मतलब मछलियाँ एकदम 250 के करीब मछली डोल पहने आए थे। तो फिर हमने इसको देखा, या अल्लाह ये खुदा का कुदरत है, अजूबा है, इतनी तादाद में इतनी डोल मछलियाँ हमारे साहिल पे। कभी कभी एक दो भी मरा हुआ साहिल पे हम लोगों ने देखा, मगर जिंदा इतनी तादाद में हम लोगों ने नहीं देखा। तो अल्लाह के हुक्म से सब मछलियाँ बच गए। बल्कि मैंने इसको हाथ भी ऐसा लगाया, ऐसा आवाज़ निकाला जैसे मुझसे मदद मांग रही है। चाहे लाल बीबी ने हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। लाल बीबी जब यहाँ पे डॉल पेन आए थे किनारे पे, तो उसी टाइम पे भी हम लोगों के साथ लाल बीबी था। हम लोगों ने बहुत मदद की, इन लोगों को पानी में किया, वापस गए। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी किरदार अदा करती है। लाल बीबी का तालीम हासिल करने का ख्वाब तो पूरा ना हो सका, लेकिन उसने अपने ख्वाबों को आने वाली नस्लों की आंखों में सजाने का पुख्ता इरादा कर लिया। मैंने इसलिए तालीम को टारगेट किया क्योंकि मैं अनपढ़ थी। तो जब मैं बाहर निकली स्पीड से, तो फिर मैंने देखा कि तालीम न होने से कितना मैं अधूरी बल्कि कमज़ोर हूँ। तो कलम नहीं है तो मेरे पास ताकत भी नहीं है। ATC एप वाले उसने कहा कि आपका समझो ये आधा घर हमारे नशके में आ रहा है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोले क्या करूँ, बोलते हमें दे सकते हो? क्यों नहीं, तालीम के लिए मेरा घर पूरा ले लो, वो आधा हिस्सा क्या करोगे, पूरा मेरा घर ले लो आप। तालीम नहीं, हम समझे कुछ भी नहीं है। जैसे पंजाब वाले बोलते पढ़ा लिखा पंजाब से, एक दिन ऐसा भी हम भी बोले कि पढ़ा लिखा बलोचिस्तान। जब स्कूल बना तो फर्नीचर तैयार नहीं थे स्कूल के, तो हम लोगों ने घर घर जाके चटाई लेकर आई बिछाया बच्चों को बिठाने के लिए, और टीचर और मैडम के लिए घरों में कुर्सी लेकर आई। पसमानदा बलोचिस्तान के इलाके गडानी की बस्ती में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब न हो सकी, क्योंकि घरेलू खवातीन मर्द वैक्सीनेटर के सामने आने से गुरेज करती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने मिलके एक फीमेल टीम बनाया। तो मैंने अपने बच्ची को पहले अपने बच्ची को घर से निकाला ताकि लोग ये न समझे लाल भी अपनी बेटी को बिठाए, हमारी बच्चियों को बाहर निकाला। अभी अल्लाह का शुक्र है अभी फीमेल टीम काम कर रही है, घरों में जाके बच्चों को वैक्सीन पिला रही है। इंसानी फलाह के कामों के साथ साथ लाल बीबी ने गडानी से दूर डाम और मोहिका साहिल पर समंदर दोस्त मैंग्रोव, जो साहली कटाव और समंदरी तूफानों की शिद्दत को कम कर देते हैं, उनकी शजरकारी में भी अहम किरदार अदा किया। लाल बीबी ने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिशें शुरू की, जिसको बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने भी सराहा। WWF पाकिस्तान के तआवुन से लाल बीबी ने माहिगीरों को आबी हयात के तहफ्फुज़ की तरबियत भी दी। यहाँ पे जाते हैं, जाला बिछाते हैं, जब वो डोल पेन लगते हैं, कछुआ वगैरह लगते हैं, हम लोग अपने जाले काट देते हैं, वापस उन लोगों को बचाते हैं, उनके जान अपने आप को नुकसान देते हैं, लेकिन उनको हम लोग जिंदा छोड़ते थे। इस किस्म के बहुत सारे काम हैं जो लाल बीबी ने किए हैं, और लाल बीबी मेरे ख्याल में एक सही मानों में इन्वायरमेंटलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट हैं, और उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं वो दूसरी ख्वातीन के लिए एक बाकायदा राह दिखाते हैं कि उस पर अमल करना चाहिए। साहिल की लहरों की मानिंद गडानी के मसाइल का कोई शुमार नहीं, लेकिन लाल बीबी का अज़्म समंदर जैसा गहरा और बेकरार है। ख़वातीन की तरबियत, बच्चों की तालीम, माहौल की बेहतरी और माहीगीरों की फलाह के लिए लाल बीबी की जिद्दोजहद का सफ़र जारी था और जारी रहेगा।